वरकू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैल्युएबल सब्सक्राइबर्स। इंडिया से सऊदी अरेबिया वाया दुबई क्वारंटाइन के अलग अलग पैकेजेस हमने लॉन्च किए हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया, साल 2020 के अक्टूबर के महीने से फरवरी की पहली तारीख इतने लोगों को हमने भेज चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया से बॉम्बे, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, अलग अलग सिटीज से यहाँ बॉम्बे में हमारे ऑफिस के मैनेजमेंट के थ्रू, ऑफिस के सेटअप के थ्रू हमने लोगों को वाया व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को अलग अलग एयरपोर्ट से और अलग अलग जगह से सऊदी वाया दुबई 15 दिन रुकवा कर भेजे है। रियाद, दम्माम, जिद्दा, आभा, हायल, जहां जहां लोगों को जाना था वहां वहां। पहले तो हम आपको बता दें कि हम लोगों को सऊदी में या दुबई में या कतर में काम पर नहीं भेजते। हम रिक्रूटमेंट का काम, नए वीजा वाला काम, नए जॉब वाला काम नहीं करते। हम सिर्फ वो लोग जो साल 2020 में सऊदी अरेबिया से इंडिया आकर लॉकडाउन और कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन में फंस गए थे, उन लोगों को दुबई यहां से भेजकर 15 दिन अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करके आगे सऊदी पहुंचा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सक्सेस रहा है और बहुत ही ब्रिलियंट काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक का एक भी फेलियर नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हमने मेंटेन किया है, जो काम की तरतीब हमने मेंटेन की है, वो काम की तरतीब अभी तक वही है और उसी सतह पर, उसी लेवल पर चल रही है। तो हम आपको बता दें कि अब फिलहाल, हाल फिलहाल जनवरी के महीने में हमने वाया बस वाला भी पैकेज लॉन्च किया है। तो हमारे अलग अलग पैकेजेस हैं। पहले हम आपको फिर से बता दें कि इंडिया से सऊदी अरेबिया वाया दुबई या इंडिया से कुवैत वाया दुबई किस तरीके से जाते हैं। सऊदी अरेबिया और कुवैत हम वाया दुबई किस तरीके से लोगों को पहुंचा रहे हैं, किस सेटअप से और किस तरीके से, किस प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए। सबसे पहले आपको जब हमारे से आप बुकिंग करोगे तो आपको हम यहां पर से इंडिया से दुबई की टिकट, दुबई की वीजा, उसका इंश्योरेंस और इंडिया से दुबई की टिकट के साथ आपका कोरोना का टेस्ट भी इंडिया का हम करवाएंगे आपकी डिपार्चर के 2 दिन पहले, अगर आप बॉम्बे में हमारी ऑफिस से जाओगे तो। वरना आप जिस जिस सिटी से, जिस जिस शहर से आप जाओगे, उस शहर में हमारी लेबोरेटरीज का टाइप है, ऑफिस हमारा बॉम्बे में है। अगर आपका कोई भाई, दोस्त, बंधु इस इलाके के पास हमसे मुलाकात कर सकता है या हमारी ऑफिस पर आ सकता है तो आप उसके थ्रू हमसे बुकिंग कर सकते हैं। वरना हमारा बुकिंग का प्रोसेस व्हाट्सएप के थ्रू भी है। जब आप हमसे कंफर्म करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक बुकिंग कंफर्मेशन का ग्रुप बनाते हैं, उसमें हमारा मैनेजमेंट और आपके लोग व्हाट्सएप में रहते हैं। तो आगे की बात बताएंगे हम आपको कि और क्या प्रोवाइड करते हैं। दुबई की वीजा, इंश्योरेंस और इंडिया से दुबई की टिकट और कोरोना का टेस्ट। और जब आप इंडिया से दुबई जाओगे तो एयरपोर्ट पे जो आपका टेस्ट होगा वो भी इंक्लूड है। जब आप एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे तो ड्राइवर जो हमारा रहेगा वो आपको पिक करके होटल में ड्रॉप करेगा और 24 घंटा आपको होटल के रूम में सिर्फ एक दिन 24 घंटा क्वारंटाइन रहना है। तो आप जब क्वारंटाइन रहोगे तो जो एयरपोर्ट का टेस्ट है उसका रिजल्ट 24 घंटे में आएगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव आएगा तो आप रूम के बाहर निकल सकते हैं, 15 दिन दुबई में भी घूम सकते हैं अपने एक्सपेंस पर। अगर पॉजिटिव आया तो 15 दिन ही आपको रूम के अंदर ही क्वारंटाइन रहना, आप रूम के बाहर नहीं निकल सकते हैं। 14 दिन बाद फिर से आपका कोरोना टेस्ट होगा, भले ही नेगेटिव आए या पॉजिटिव, फिर से 14 दिन बाद आपको हम पिकअप ड्रॉप करके या होटल में आपको हमारे डॉक्टर्स को बुलाकर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपका कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। 15वें दिन जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, 16वें दिन की आपकी टिकट होगी दुबई से रियाद, दम्माम, जिद्दा, जहां का भी आप पैकेज हमसे लेते हैं। तो ये हुआ पैकेज का सिस्टम जो अभी तक हम करते हैं। और अगर 15 दिन बाद आपको दुबई का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया तो आपको और 15 दिन आपके खर्चे पे रहना पड़ेगा। ये निजाम है, क्योंकि आप जा ही रहे हो क्वारंटाइन के लिए। जब तक आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक ना आप दुबई छोड़ सकते हो, ना आप इंडिया आ सकते हो, ना आप सऊदी जा सकते हो। मगर डरने की कोई बात नहीं है, उन्हीं को कोरोना आता है जिनके मुकद्दर में है, उन्हीं को आता है जिनको कोरोना हो सकता है। मगर अगर आपने अपने आप का ख्याल रखा, अपने आप का ध्यान रखा, तो ये चीज मुमकिन नहीं है इंशाल्लाह। तो डरने की बात नहीं, बहुत लोग पहुंच गए हाल फिलहाल, बहुत लोग दुबई में भी है जो सऊदी भी जाने वाले हैं। तो पैकेजेस के कंडीशंस हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला पैकेज है 55,000 का, जिसमें हम आपको इंडिया से दुबई की टिकट देंगे, वीजा, इंश्योरेंस देंगे और दुबई में बंक बेड का एक अपार्टमेंट शेयरिंग रूम देंगे। बंक बेड सिस्टम जो होता है उसमें दो लोग एक के ऊपर एक बेड होता है उसमें रहते हैं, वैसे अरेंजमेंट्स में रूम में कुछ लोग होते हैं शेयरिंग में। और जो होटल होती है उसमें 2 से 3 लोग होते हैं। जो 55,000 का पैकेज है उसमें खाना नहीं है, सिर्फ आपका 15 दिन का ये रूम है,
दुबई की वीजा है, टिकट है, इंश्योरेंस है और दुबई का कोरोना टेस्ट जो है वो नहीं रहेगा। और 65,000 वाला जो पैकेज है उसमें दुबई का टेस्ट भी रहेगा और 55 और 65 दोनों में दुबई से सऊदी की बस रहेगी, बट 65 में खाना भी रहेगा, दुबई का कोरोना का टेस्ट भी रहेगा, इंडिया का भी बॉम्बे का कोरोना टेस्ट रहेगा। आते हैं हम 65,000 से 75,000 के पैकेज में। 75,000 के पैकेज में दुबई से सऊदी फ्लाइट मूवमेंट रहेगा, मगर 65,000 और 75,000 का जो पैकेज है दोनों पैकेज में सिमिलरिटी, दोनों में सेम चीज यही है कि सिर्फ 75,000 में दुबई से सऊदी फ्लाइट होगी रियाद तक की और दुबई से सऊदी रियाद बस रहेगी 65,000 में, ये दोनों फर्क है। और अगर आपको होटल चाहिए 3 स्टार से 4 स्टार होटल जो हम देते हैं 2 से 3 लोगों की शेयरिंग में, अच्छी क्वालिटी होटल, वो है 85,000 में। ये सारे एयरपोर्ट्स जो है वो रियाद के एयरपोर्ट्स के रेट्स है। और अगर आपको दम्माम जिद्दा जाना है तो 2,000-3,000 जो भी आपके बुकिंग के टाइम में फर्क आएगा वो होगा। अगर आपको लखनऊ से जाना है तो 4-5,000 का डिफरेंस वो रहेगा। आपको दिल्ली से जाना है तो 2-2,500 का डिफरेंस रहेगा। हैदराबाद से जाना है तो 2,000 का डिफरेंस रहेगा। दिल्ली हैदराबाद अलग अलग देशों का अलग अलग शहरों का अलग अलग रेट है। बॉम्बे से हमारा पैकेज फिक्स है 55,000 का जिसमें खाना नहीं है, दुबई से सऊदी बस है 65,000 का जिसमें दुबई से सऊदी बस तो है मगर खाना भी है और कोरोना टेस्ट भी है, 75,000 है जिसमें फ्लाइट भी है खाना भी है और तीनों पैकेज 55, 65, 75 तीनों सेम है, तीनों में अलग अलग चीजें जो हमने आपको बता दी क्या है क्या नहीं है। और बस जो है वो दुबई से रियाद जाती है, दुबई से दमम, दुबई से जिद्दा नहीं जाती, दुबई से हायल आबा नहीं जाती है, बस सिर्फ दुबई से रियाद और दुबई से दमम जाती है। अगर दुबई से दमम का बस चाहिए तो और उसका कॉस्ट अलग लगेगा, अलग अलग जगह का अलग अलग पैकेज का प्राइस होता है। इसके अलावा आपको अगर पूरा पैकेज चाहिए होटल के साथ में टॉप क्वालिटी तो हमारे 85,000 से 90,000 फोर स्टार होटल है जिसके रिव्यूज आपको हमारे पहले के कस्टमर्स बताते हैं। और आपको पता है कि मुमकिन है कि फ्लाइट्स जो खुलने वाली थी अब शायद खुले ही ना, क्योंकि 17 मई तक ही एक्सटेंड हो गया है। और जवजात की भी बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है कि जो लोग 3 महीने की छुट्टी में अगर वापस नहीं लौटते तो 3 साल तक वो वापस नहीं लौटेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आपको सऊदी की न्यूज गैजेट जो है और जो चैनल से वही बताएंगे, मगर फिकर की बात नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, अल्लाह से मांगना है और फ्लाइट जब भी खुले, मगर जिनको अर्जेंट जाना है वही कांटेक्ट करें, हम नए काम पर नहीं भेजते हैं, हम सिर्फ उन लोगों को भेजते हैं जिनको सऊदी से जो आए हैं, इंडिया से सऊदी जाना है, इंडिया से कुवैत जाना है वाया दुबई। कुवैत का जो पैकेज है वो बंक बेड का 85,000 है और जो होटल है उसका 1,05,000 है। दोनों में फ्लाइट है और बस नहीं है कुवैत में, सऊदी में बस है। और ये सारे पैकेजेस जो है जिस तरीके से अब तक हम कर रहे थे उसी तरह है। अगर आपको कोई और चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है नीचे जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, आपके सवाल जवाब डाल सकते हैं। इसके अलावा जिनका विजिट वीज़ा है, जिनका फैमिली वीज़ा, जिनका बिजनेस वीज़ा, जिनकी मल्टीपल एंट्री है और जिनकी उमरा वीज़ा है वो भी वाया दुबई जा सकते हैं। जिनकी वैलिड वीज़ा है भले ही वो 1 साल 10 महीने पहले लगी हो मगर वैलिड हो वो लोग जा सकते हैं। सिर्फ इकामा वाले नहीं, इकामा वाले के साथ जिनकी इकामों की छुट्टी पड़ी है वो, फैमिली वीजा, बिजनेस वीजा और उम्रा वीजा।